माई सेल्प इंद्रेश कुमार सिंह फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बीबीडी बी एन आई लखनऊ ओके और ये सब्जेक्ट जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स है इस सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर थ्री पे आ गए हैं इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस uh, करने वाले हैं जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा विलोसटी डिस्ट्रीब्यूसन एंड जोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स ओके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्रॉस चैनल क्रॉस सेक्शन पढ़े हैं ओपन चैनल में उसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है जो सॉलिड बाउंड्री थी उनके कांटेक्ट में आने पर कैसे वाटर के फ्लूड पार्टिकल्स जब सॉलिड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं जो सॉलिड बाउंड्री होती है वो रेस्ट में होती है तो जो फ्लूड का पार्टिकल जाता है वो भी उसके साथ में रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है यहाँ पर हमारा ओपन में फ्लो हो रहा है तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि किस चैनल सेक्शन में कैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइप्स ऑफ चैनल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं आप लोगों ने देखे होंगे दूसरे लेक्चर में आप जान सकते हैं कि टाइप्स ऑफ चैनल्स कौन कौन से ओपन चैनल फ्लो में हमें यूज करने हैं ओके ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल We have defined uh, types of channels. First one is rectangular cha open channel, second is triangular, trapezoidal, circular, parabolic, okay. different shapes which we uh, made or manufactured for the uh, flow of water. Okay. So, start this lecture hydraulic engineering machine. के सी ई फोर जीरो थ्री सब्जेक्ट कोड है इसका ओके okay? uh, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका लेक्चर नंबर थ्री यूनिट नंबर वन का आज ही है सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके क्यों वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किए एक्चुअली मैंने टाइप्स ऑफ चैनल पढ़ लिए हैं जैसे ये हमारा दिया है रेक्टेंगुलर ये क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है तो इसमें कैसे वेरी कर रही होगी वेलोसिटी वाटर फ्लो कर रहा है मैंने कहा ना आप एक दिमाग में अपनी इमेज बना लो कि रिवर में कहीं भी पानी फ्लो कर रहा है रिवर हमने मान ली तो रिवर का चैनल सेक्शन पानी फ्लो कर रहा है उसके बाद में हमें सारी प्रॉपर्टी समझनी है एज इंजीनियर तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो कैसे इसमें हमारा वेलोसिटी फ्लो करेगी क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जीरो होगी इसके साथ में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ऐसे वेरी करती जाएगी ये बनेगा टॉप पे हमारी ज़्यादा होगी या हमारी कम होगी क्या ऐसे चैनल बनेगा इस चीज़ के बारे में जानेंगे अभी ओके okay? ये हो जाएगा दूसरा हमारा अगर इस तरीके का है तो इसमें कैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस फ्लो का ट्रेंगुलर चैनल सेक्शन का कैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सर्कुलर का कैसे हो रहा है तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये इस तरीके से चैनल ट्राइब्स ट्राइब चैनल दिए थे जो नेचुरल आर्टिफिशियल प्रिजमेटिक नॉन प्रिजमेटिक की बात जो मैंने की थी ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो हमने बात की है रेक्टेंगुलर ट्रेंगुलर ट्रिपोजाइडल सर्कुलर और पैराबोलिक ओके तो उन्हीं में पहले बिलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं और इसके बारे में बता दें आपको उसके बाद में हम लोग फिर जानेंगे पैरामीटर्स जो यूज करने हैं ओपन चैनल फ्लो में जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स यहाँ पे देखिए द वलॉसिटी एट अ सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी जीरो ये इन्होंने बात सही कही कि यहाँ पर देखो ये सॉलिड बाउंड्री है किसी भी चैनल सेक्शन में अब जो पार्टिकल इसके कांटेक्ट में रहेंगे वाटर के ठीक उनकी स्पीड क्या होगी याद रखना कभी भी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में जब भी कोई फ्लूड आता है तो उसके साथ में जो उस सॉलिड बाउंड्री के पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वही हमारे फ्लूड पार्टिकल्स की होती है ओके तो ये हमारा वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी द वेलोसिटी एट अ सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी जीरो एंड इन ओपन चैनल फ्लो इट जनरली इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री और जैसे जैसे इस डिस्टेंस से हम दूर जाते रहेंगे हमारी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज़ होती जाएगी ओके okay? ये बात समझ लीजिएगा कोई भी सॉलिड बाउंड्री से जैसे जैसे दूर होते जाओगे फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और वही हमें ड्रा करना है कि उसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो वैल्यू अगर लिखी है उससे ग्राफ ड्रा करते जाओ तो आपका सेप बन जाएगा और उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी डज नॉट अकर एट द फ्री सरफेस ये टर्म्स बता चुके हैं कि फ्री सरफेस पे अगर कोई कैनल कैनल में फ्लो हो रहा है वाटर का फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि सरफेस पे होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि सरफेस पे हमारी एयर आ रही होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो जो सर्फेस वाली फ्लो हो रही होगी मतलब जो फ्लो हो रहा है वाटर की सबसे ऊपर वाली अपर लेयर होगी उस पर हमारी जो एयर के कॉन्टेक्ट में है तो वो क्या कर रही है उसमें कुछ फ्रिक्शन लग रहा है ड्यू टू द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी लेकिन अगर इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है ऐसे समझिए यहाँ पे है फ्री सरफेस तो इसकी स्पीड अगर थोड़ी कम हो जाएगी तो इसके नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर मान लीजिए या कहीं पर हो सकते उसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये ना ऊपर है और नीचे वाले तो इसी का इफेक्ट रहेगा तो हमारी वेलोसिटी कहीं ना कहीं सबसे फ्री सरफेस पर मैक्सिमम नहीं होती है द मैक्सिमम डज नॉट एट द फ्री सरफेस वट यूजली बिलो द फ्री सरफेस एट डिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो फाइव या जीरो पॉइंट टू फाइव ऑफ द डेफ्थ ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये टोटल तो डेफ्थ आपकी डी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी तो याद रखिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव टाइम्स ऑफ डी के रहती है ये टर्म्स बिल्कुल याद कर लो कि ओपन चैनल फ्लो में अगर हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन चैनल है और उसमें ट्रिपोजेंगुलर है, है यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग लगभग 0.05 जो टोटल डेप्थ होगी टू 0.25 डेप्थ तक इतनी डेप्थ ऊपर रहेगी उसके बिलो में इन दोनों रेंज के बीच में ही कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस होगी जहां मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी आता है जब तो आपको ध्यान रखना है और ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है आपको ओके okay? तो ये वैल्यू याद रखनी है कि द डज नॉट अकर एट द फ्री अ डिस्टेंस ऑफ जीरो चैनल

स्टडी की गई तो अलग अलग बातें आई लेकिन उन्होंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी वो जीरो पॉइंट सिक्स आप एज्यूव कर सकते हो उतनी डेप्थ पे मिल जाएगी हमको तो जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है उसने बताया कि जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो जीरो पॉइंट टू से लेकर जीरो पॉइंट एट टाइम्स ऑफ डेप्थ तक जो रहेगी अपल सरफेस पे से बस वो हमारी उस रेंज में अगर कहीं है तो उस वहाँ पर वेलासिटी हमको एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है ओके तो ये ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कहाँ पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और कहाँ पर हमारी एवरेज रहेगी देखो इस ग्राफ से हम समझते हैं कि अगर ये हमारा कौन सा है पहला चैनल सेक्शन अब तो याद हो गए होंगे टाइप्स ऑफ चैनल क्रॉस सेक्शंस ओके इतनी बार बोल चुके हैं तो याद हो गए होंगे सबसे पहला हमारा कौन सा है रेक्टेंगुलर ये वाला रेक्टेंगुलर चैनल है ओके okay. यहां पर देख रहे हैं हम कि जो इस सॉलिड बाउंड्री के साथ में ये वाटर देखो ब्लू वाला है आपका इस सॉलिड बाउंड्री ब्लैक से जो बनी है इसके कांटेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स फ्लूड के होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी ओके okay. तो अगर जीरो होती तो यहां जीरो से शुरू करते लेकिन अगर हल्की सी भी उससे ज्यादा है तो यहां थोड़ा इन्होंने दिखा दिया इसको मैं ऐसे भी ग्राफ को बना सकते हैं ठीक ये भी ध्यान रखिएगा तो यहां पर हमने देखा कि इसकी कुछ वेलोसिटी ये कंटूर बने हैं कंटूर आप जानते होंगे सर्वे में पढ़े कि हमने वो एक लाइन ड्रॉ की जहां पर पार्टिकल्स की सेम वेलोसिटी मिली हो ओके हमने फ्लूड में पूरा देखा हर पॉइंट पे जहां जहां पे हमको सेम वेलोसिटी मिलती गई उनका हम कंटूर बनाते गए और ये बना हुआ है तो हमने अगर देखा तो आपको यहां पर जो वेलोसिटी मिल गई है वो आपको देखो इस तरीके से हमने U और Y हमने क्या मान ली डेफ ले ली इसके बीच में अगर ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पर अगर आपकी जो डेप्थ वो वेलोसिटी है ज़ीरो इसके जस्ट पास में जाओगे तो हमें मिल गई वन उसके ऊपर गए आपको मिल गए टू उसके और ऊपर जाओगे तो और ज़्यादा मिल गए थ्री यहाँ गए तो फोर फाइव सिक्स और फ्री सरफेस पे पहुँचोगे तो फिर हमारी आ जाएगी फाइव पॉइंट फाइव तो हमारा ये इस तरीके से ऐसे बनता है देख लो ओके तो थोड़ा जाकर ऐसे और कर्व हुआ हमारा ओके तो ये चीज ध्यान रखनी आपको ये चीज तो ये वाला जो ग्राफ है आपका ये ध्यान रखना ओके okay. तो देखो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए कंटूर लाइंस वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनाई गई है ये लाइंस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी की हैं याद रखिएगा तो इसीलिए मैंने कहा कंटूर बना हुआ है तो जब भी हमारा कोई रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो में फ्लो हो रहा है अगर तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर फ्लो में हर जगह वेलोसिटी बैरी कर रही होगी तो हम अगर पूरी स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल्स की तो वहां पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिनकी सेम वेलोसिटी मिल रही हो उन लाइनों को ज्वाइन कर देंगे वो कंटूर ड्रा हो जाता है ओके सर्वे में आपने पढ़ा है कंटूर क्या होता है तो अब इस कंटूर से हमने वेलोसिटी ड्रा की तो हमने डेप्थ और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया ये याद रखिएगा रेक्टेंगुलर के लिए इस तरीके से हमारा बनता है

इस पॉइंट पर जब रहेगा तो उसकी क्या होगी सर सबसे मिनिमम होगी और इससे थोड़ा ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होगी यहाँ पर और ज्यादा होगी यहां और ज्यादा होगी जैसे इस सर्फेस पर पहुंचोगे फ्री सरफेस कम होगी तो ये भी ऐसे ही क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका ओके ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा ये ट्रिपोजाइडल बना हुआ है ट्रिपोजाइडल्स में हमने देखो ये एक्चुअल और यूनिफॉर्म लाइन बनाई है तो अगर एक्चुअल लाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हमारा ये अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे बन रहा है नीचे वाली जो होगी रेक्टेंगुलर की अगर बात करें वो ऐसे बन रहा है इस तरीके से तो ये हमारा क्या है सीयर स्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन है तो सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ये लाइन बनाए हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए हम ये कह सकते हैं यहाँ से कुछ चीज़ कट करके यहाँ फिल कर दो तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा तो ये जो डैश लाइन बनी है इससे हमने देखा कि जो सीअर स्ट्रेस हमारी है वो आपका क्या है ओके तो इसके दो जो ये बने हुए हैं और इसमें वेलोसिटी क्या होगी रेक्टेंगुलर में जैसे हो रही है तो आप इसमें भी वेलोसिटी आप समझ सकते हैं कि आपकी किस तरीके से रहेगी ओके तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम u और y के बीच बनाए तो यहाँ पर अगर जीर, जीरो जीरो थोड़ी मिनिमम होगी और उससे फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रहेगी ऐसे जाएगी और फिर कहीं ना कहीं कम होती रहेगी तो ऐसे ही बनेगा ओके तो हमने लगभग लगभग यहाँ पर देखना जो चाहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमने देखा है कि रेक्टेंगुलर चैनल सर्कुलर चैनल ट्रिपोज चैनल सेक्शन में कैसे हमारी सरफेस जो फ्री सरफेस है उस पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिल रही है कितनी आएगी क्या वैल्यू आएंगी किस पॉइंट पे कितनी आएगी वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे अभी अभी सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर एवरेज कहाँ पर है मिनिमम कहाँ पर हमारी वेलॉसिटी है जब भी कोई भी हमारा फ्लो फ्लूड में फ्लो कर रहा है ओके ये चीज़ जाननी है

और क्या हमने देखा है कि हमने देखा है कि इस सब्जेक्ट में ओपन चैनल फ्लो है पाइप फ्लो की चीज़ें और ओपन चैनल फ्लो की चीज़ों में जो डिफरेंस था वो सबसे पहले हम जान चुके हैं फिर हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है ये भी जान गए हैं फ्री सरफेस क्या है ये जान गए हैं कितने टाइप्स के फ़्लो होते हैं वो भी देख लिया है और चैनल्स के क्या सेप हैं क्या क्रॉस सेक्शन्स हैं हमने ये सब समझ लिया है ओके कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहाँ पे मिनिमम होगी कहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगी कितना हमें सर्वे ऑफ अमेरिकन जो जियोलॉजिकल सर्वे उसने बताया कौन सी डेफ्थ पे होगा 0.05 से लेकर 0.25 तक या 0. पॉइंट एवरेज वेलोसिटी कहाँ होगी 0.2 से लेकर 0.8 तक जो हमारी जनरल इंडिया में मानी जाती है जीरो मान लेते हैं डेफ्थ के रेशियो में तो ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल बेसिकली थ्योरेटिकली चीज़ कॉन्सेप्ट समझ रखा है समझ लिया है कि अब हम बेसिकली ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम ये यूज शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चीज़ें जो हैं वो क्या है हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं तो पूरे इस फ्लूड मैकेनिक्स में आप लोग को जो ये ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे उनको समझते हैं यहाँ से ओके तो टर्मोलॉजी ऑफ ज्योमेट्रिक एलिमेंट जो हैं वो आप समझिए कौन कौन से ज्योमेट्रिक एलिमेंट हैं ये जब भी लिखने को आएगा ये भी एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है कि टर्मोलॉजी ऑफ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट तो लिखना है कोई ना कोई एक दो डिफाइन करने को आ सकते हैं दो नंबर में सबसे पहला डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब ये हुआ कि कोई भी चाह भी आपको रिवर मिली या चैनल फ्लो में ऐसे अगर है तो जब भी आप इसकी डेप्थ डिनोट करेंगे ये फ्री सर्फेस है ओके ये फ्री सर्फेस तो इसकी जो ये डेप्थ डिनोट करेंगे ये हमेशा वाई से डिनोट करेंगे समझ लीजिए ये वाई से ना कि डी से ओके साइड स्लोप साइड स्लोप मतलब ये वाला जो साइड स्लोप होगा तो हम ये डिनोट करेंगे वन इज टू एम में मतलब एम या एन ये डिनोट कर सकते हो तो हम साइड स्लोप को एम से डिनोट करते हैं ये ध्यान रखिएगा फ्राउड्स नंबर फ्राउड नंबर बता चुके हैं एफ से डिनोट करते हैं ये पूरा एफ आर या FE से भी डिनोट करते हैं हमने कहीं पे यूज किया था एफ तो दोनों यूज करते रहेंगे ओके तो जनरली एफ से डिनोट करेंगे फ्राउंड नंबर ये हमारा इस सब्जेक्ट में यूज होगा तो ये एक टर्म याद रखिएगा फ्लो रेट्स क्यू क्यू इक्वल टू ए वी तो ये तो बिल्कुल हम जानते हैं कॉन्टीट इक्वेशन के बेसिस पे डिस्चार्ज ए एरिया वेलोसिटी ये हम वही टर्म यूज करेंगे और आर एक नया टर्म आ गया आर हाइड्रोलिक रेडियस एट क्रॉस सेक्शन ये हमारा आर रहेगा हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन पे रहेगा इसके बारे में बात करेंगे वेलासिटी रहेगी वी से डिनोट करेंगे फ्लो टेम्परेचर थीटा से डिनोट करेंगे टॉप बिथ देखिए ये वाली जो विथ रहेगी इसको वी से नहीं डिनोट करेंगे हमेशा टी से चाहे रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन में अगर ये फ्री सर्फेस है तो ये वाली टॉप विट्थ हमेशा टी से अगर ये हमारा सर्कुलर में अगर फ्लो कर रहा है यहाँ पे फ्री सर्फेस है तो ये नहीं कि किससे ये वाली जो होगी ये टी से डिनोट करेंगे ओके तो टॉप बिट्थ ये हो जाएगा समझ गए और उसके बाद में चैनल वाटम स्लोप हमने बताया था ना जो डायग्राम में देखिए इसका जो वाटम स्लोप दिया जाएगा ये हमेशा किससे डिनोट करोगे एस नॉट से डिनोट करोगे ओके एस वी से भी डिनोट करते हैं तो एस नॉट से चैनल वाटम स्लोप हो जाएगा आर ई रेनॉल्ड्स नंबर हो गया ए से एरिया ऑफ फ्लो डिनोट करेंगे इसमें हम जानेंगे ओके okay? तो एरिया ऑफ फ्लो हाइड्रोलिक वाटर डेप्थ कैपिटल डी से डिनोट करेंगे हाइड्रोलिक वाटर डेप्थ परपेंडिकुलर डेप्थ होती है जब हमारे कोई स्लोप है तो उसके क्रॉस सेक्शन पर ऐसी डेप्थ तो ये वाई और डी में भी रिलेशन भी जानेंगे अभी हम ओके क्योंकि देखो वाई जो हमारी ये वर्टिकल डेप्थ है जब हमारा स्लोप पता चला इस तरीके से तब भी हम वर्टिकली ले रहे हैं लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन पर हम बिल्कुल वर्टिकल मैक्सिमम डेप्थ लेंगे तो वो 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 करते हैं वो हाइड्रोलिक वाटर डेप्थ समझेंगे स्पेसिफिक एनर्जी ये जो हमारा टर्म आएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके फ्लूड में है ओके यहाँ पर हम ये वाई प्लस वी स्क्वायर मतलब कि ये डेप्थ और काइनेटिक एनर्जी टू जी ये दो टर्म को ऐड करके एक हमने एनर्जी का टर्म दिया है यहां पर जो कि आपका स्पेसिफिक एनर्जी कहलाएगा जितनी भी एनर्जी आप समझते हो पर यूनिट वेट अगर कर देना तो यही आएगी स्पेसिफिक एनर्जी ओके इसके बारे में जानेंगे उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे पूरे इस ओपन चैनल फ्लो में क्यू स्मॉल क्यू डिस्चार्ज ओवर विथ्थ होता है जो कैपिटल क्यू होता है आपको पता है स्मॉल क्यू होता है क्यू अपान विथ्थ अगर टॉप विथ की बात करें तो टी से और वैसे विट्स होगी तो वी से डिनोट करोगे ओवर विट्स ओके बी हमारी बॉटम चैनल बिथ होगी ये बॉटम चैनल में जो होगी वो वी होगी रेक्टेंगुलर के लिए इसको बी से डिनोट करेंगे इसमें दोनों हमारे सेम होंगी टी और बी दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे इसमें अलग अलग रहेंगे ओके और जो भी चैनल सेक्शन होंगे उसमें अलग अलग रहेगा वी एवरेज फ्लो डेंसिटी भी हम लेंगे न्यू से एल लेंथ ऑफ चैनल एज्यूम करेंगे पी हमारा बेटेड पेरीमीटर होगा हम बता चुके हैं जितनी भी सर्फेस जैसे यहाँ पर यहाँ से सरफेस कॉन्टेक्ट में है वाटर के दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस ये अगर हम ऐड कर दें तो इसको जो पेरीमीटर मिलेगा आपको वो वेटेड पेरीमीटर होगा ओके okay? उसको हम पीछे डिनोट करेंगे वॉल्यूम को भी से डिनोट करें डेल जेड वीअर हाइट्स अगर कहीं पर हमारे ऐसे चैनल्स बनते हैं डेम एम वीयर सी एस तो उसमें जो हाइट्स होगी उसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे ओके okay? तो ये जो टर्म्स हैं ये सभी टर्म्स पहले देख लो ध्यान से इस सब्जेक्ट में हम लोग इंटर कर रहे हैं ये सारे टर्म्स हमारे यूज होंगे और इनके बारे में फिर आप लोग जानेंगे ओके okay? तो इतना आपको टर्मोलॉजी ऑफ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स समझना है और यही सारे टर्म्स अब यूज करेंगे हम लोग ओके एक एक चैनल को आराम से पढ़ेंगे जानेंगे इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ओपन चैनल्स कुछ हैं जैसे कि जो हम अभी टर्मिनोलॉजी पूरी यूज कर रहे थे जान रहे थे लिखा है क्या लिखोगे डेफ्थ ऑफ फ्लो जैसे वाई से डिनोट करते हैं पता है इट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफ़ेस ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है बता चुके हैं आपको हम कि जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन फ्रॉम फ्री सरफ़ेस ओके वहां से दोनों के बीच में रहेगी उसको बाई से डिनोट करते हैं और ये डेफ्ट ऑफ फ्लो बोलते हैं जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे लिखना है ना कि वाई डिनोट कर दिया डेफ्त ऑफ चैनल

चैनल सेक्शन है तो ये फ्री सरफेस है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस टी से डिनोट करेंगे पी से डिनोट करते हैं बता चुके हैं इसको पी से डिनोट करेंगे क्या होता है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग लिक्विड एट एनी सेक्शन इट इज एक्सप्रेस इन मीटर अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर इतनी ये, ये एक मीटर है और ये डिस्टेंस हमारी पाँच मीटर है और ये डिस्टेंस हमारी एक मीटर है तो अब टोटल अगर पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर होता है समय समाइडेड लेकिन यहाँ पर जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वो कितने डेप्थ कितनी डिस्टेंस के कॉन्टेक्ट में है सॉलिड बाउंड्री के <coughs> सॉरी वो टोटल डिस्टेंस को हमको ऐड कर दें पेरीमीटर निकल आएगा तो यहाँ वन प्लस फाइव प्लस वन कितना आ गया सेवन तो ये सेवन मीटर आपकी क्या आ गया पेरीमीटर और यहाँ ओपन चैनल फ्लो में तो इसको हम लोग वेटेड पेरीमीटर भी बोलेंगे ओके okay? फिर हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर जो होता है ये याद रखो ये आर क्या होता है ये दो तीन बार आ चुका है अभी तक मैंने इसको बताया नहीं आपको इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू द वेटेड पेरीमीटर पी जो वेटेड पेरीमीटर आप ए पी निकाल लिए थे और एरिया अगर उस क्रॉस सेक्शन की हम निकाल लें तो ए अपन पी जब करेंगे तो एक रेशियो जब मिलेगा आपको तो कोई एक ऐसा टर्म मिलेगा जब हमारा आर इक्वल टू ए अपॉन पी होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर ओके तो एरिया को अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन चैनल सेक्शन में जो भी है क्रॉस सेक्शन उसकी एरिया को अगर हम उसके पेरीमीटर से डिवाइड कर दे तो एक जो हमको टर्म मिलेगा जो रेशियो मिलेगा जो वैल्यू मिलेगी तो वो एक नया टर्म है उसको हम लोगों ने कहा है कि इट इज नोन एज हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और एक किससे डिनोट कर रहे हैं इसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। okay? ये हमारे डिनोट किया जा रहा है आर से समझ गए तो इट इज एक्सप्रेस इन मीटर्स इक्वल टू ए अपन पी मीटर में ही क्यों रहेगा देखो इक्वल टू एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पेरीमीटर की क्या होगी मीटर एक कैंसिल क्या आ गए इसकी यूनिट मीटर आ गई तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस की इसकी जो यूनिट आपकी रहेगी उसको हम लोग करेंगे मीटर में ओके तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में ये चीजें ध्यान रखनी है और जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तब भी ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि यही पैरामीटर्स हमको कैलकुलेट करने होंगे टॉप वेट्स निकालो इतने सिंपल न्यूमेर रहेंगे स्लोप निकालो उसका पेरीमीटर निकालो पेरीमीटर निकालने को ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन में कैसे निकालेंगे ओके हाइड्रोलिक मीन रेडियस कैसे आएगी तो जब आपको पता होगा कि एरिया वन पेरीमीटर होता है तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो एरिया हमें मालूम है कि अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो हमें पता है लेंथ इंटू वेट एल वी और पेरीमीटर की बात की जाएगी तो जितनी भी साइडें हमारी कॉन्टैक्ट में आएंगी वाटर फ्लोर या उसके तो वो हमारा एरिया एरियापन पेरीमीटर करने पर आपका आ जाएगा ओके तो ये हमारा आर मिल जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है आर को हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे ध्यान रखिएगा पूरे ओपन चैनल फ्लो में इसके बाद में हमारा है हाइड्रोलिक स्लोप देखो हाइड्रोलिक स्लोप जो है वो हम यहाँ पर एस si आई से डिनोट करेंगे हाइड्रोलिक स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइंस डिफाइन एट द रेशियो ऑफ ड्रॉप टू द टोटल लाइंस एच एफ ऑफ द चैनल्स ऑफ लेंथ एल इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो इसको एस से डिनोट कर सकते हो और इसको आई से डिनोट करेंगे हम ठीक और ये होता क्या है हमारा ये होगा हमारा जो भी एच एफ और एल लेंथ होगी उसका रेशियो होता है देखो कैसे यहाँ पे ये चैनल हमारा कोई है ओके ये वाटर फ्लो कर रहा है इसमें समझ लीजिए ठीक तो यहाँ पर क्या होगी ये डेप्थ हमारी अगर वाई है यहाँ कोई भी डेप्थ हमारी मान लीजिए दूसरी कोई है वाई टू है ये वाई वन है इसके ऊपर अगर हम वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉइंट टू जी का एक पैरामीटर की लाइन खींचें तो वो वी स्क्वायर यहाँ पहुँच गई यहाँ तक जाते जाते अगर एल लेंथ का हमने चैनल सेक्शन कट किया तो कुछ लॉसेस हुए अगर तो ये वी टू स्क्वायर अपॉइंट टू जी हुआ अब देखिए हमारी जो लाइन ये होनी चाहिए थी वो अगर लाइन ये बन रही है तो यहाँ पर क्या हुआ एच एफ ये फ्रिक्शनल लॉसेस हुए ओके तो ये जो फ्रिक्शनल लॉसेस एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तक जाने तक मिलेंगे उसको एच एफ से डिनोट करेंगे और टोटल कितनी लेंथ अगर वो लॉसेस ऑफ एनर्जी जो है किसी भी चैनल में फ्लूड का तो वो जो लॉसेस ऑफ एनर्जी होता है जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसका रेशियो उतनी लेंथ तक जितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ है निकाले तो वो हम हाइड्रोलिक स्लोप बोलते हैं इसको एस या आई से डिनोट करते हैं ओके okay, इसके बारे में भाई पढ़ेंगे जब स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ेंगे फिर फ्री वोड फ्री वोड आप समझते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द हाइस्ट वाटर लेवल एंटिसिपेटेड इन द डिजाइन एंड द टॉप ऑफ द रिटेनिंग बैंक्स इट इज सेफ्टी फैक्टर टू प्रिवेंट द ओवर टॉपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स मतलब पता है फ्री बोर्ड कि अगर वाटर हमारा कहीं पूरा फुल चल रहा है अब वाटर ऊपर से ओवरफ्लो होने लगेगा तो ओवरफ्लो के लिए कुछ हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं उसकी अलग से क्राइटेरियाज होती हैं ओके तो ये चीज़ें हैं ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन चैनल्स हैं तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ तक तैयार कर लेना है ये सारे टर्म्स बिल्कुल याद कर लेने हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज़ें ओके तो ओके थैंक यू